of a bark. तुम कभी ना कहोगे क्यों ना मैं ही ये खुद बोल दूं कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी रहती है। ये चीज़ आपको बोलना चाहिए, इतने मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ, एक भी बार आपने कमेंट में नहीं बताया कि हमारी अनबॉक्सिंग आपको कैसी लगती है। तो छोड़िए उसको, इस वाले वीडियो में आप ज़रूर बताइए कि हमारी अनबॉक्सिंग आपको कैसी लगती है। लेकिन उसके पहले ये जो हमारा स्टार्टिंग में इंट्रो था ये कैसा था ये बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो चलिए सभी चीज़ को साइड में रखते हैं और आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, और आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग Redmi Note 10 Pro Max की। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसमें सारी स्पेसिफिकेशन जानेंगे इसके बारे में, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइटेड है, जैसे कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा, मैंने उसकी टेस्टिंग की आउटडोर में जाके, 108 मेगापिक्सल का मतलब भी कुछ होता है या फिर सिर्फ नंबर ही बढ़ाए जा रहे हैं, सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो क्या प्राइस पॉइंट के हिसाब से 22-21 हज़ार के हिसाब से आपको ये फ़ोन Redmi Note 10 Pro Max खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, सभी चीज़ें अकॉर्डिंग से जानेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे, नाम तो पता है असमें ट्रिकी चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आने वाली सारी वीडियो आपके पास पहुँचेंगी तब जब आप बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो तो पहले से स्टार्ट है, तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फ़ोन के बारे में और फ़ोन के लुक के बारे में बात करें, क्योंकि फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छा लगा था हमको जब मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं Redmi Note 10 Pro Max की। आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें पहले से ही हाईलाइट की गई इसमें, जैसे 108 मेगापिक्सल का कैमरा, मेड इन इंडिया, ये तो पीछे भी है, दो जगह मेड इन इंडिया लिखने की क्या ज़रूरत थी नहीं पता। तो चलिए देखते हैं कि और क्या चीज़ें हाईलाइट की हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 108 मेगापिक्सल का कैमरा, फिर उसके साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 5020 mAh की बैटरी। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और अंदर भी क्या क्या है सभी चीज़ के बारे में जानेंगे, लेकिन चलिए उसके पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये हमारा फ़ोन हो जाता है और चलिए इसको हम इस रैपर को निकाल देते हैं और ये हमारा फ़ोन है। वैसे भाई एक बात बता दूँ कि अगर लुक की बात कर लें तो कसम से बहुत ओपी कलर है इसका, बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है। तो इसकी बात थोड़ा साइड में बाद में करते हैं, देखते हैं कि और बॉक्स में क्या क्या मिलता है। बॉक्स में क्या है, तो हमको ये चार्जर देखने को मिला था 33 वाट का, 33 वाट का फास्ट चार्जर है जो कि ठीक ठाक, लेकिन हमारे साथ धोखा हो रहा है। हमने देखा था बॉक्स में कि मेड इन इंडिया लिखा है, लेकिन इसमें कुछ दूसरा है, मेड इन चाइना। जाने दो, इसको बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि आखिर में क्यों इस पर चाइना लिखा है। फिर उसके बाद हमको ये टाइप सी का हमको केबल मिल जाता है जो कि ठीक ठाक है, इसके बारे में क्या जानना। बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता। फिर आ जाते हैं अपने इस फ़ोन पे, कलर देखने में काफ़ी अच्छा और पीछे जो क्वाड कैमरे का सेटअप है भाई साहब बहुत ही ओपी लग रहा है। फिर उसके बाद एजेस देखने में बहुत अच्छे हैं। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है तो वो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए इसकी कैमरे की बात करेंगे, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस की बात थोड़ी बहुत करेंगे। कैमरे को थोड़ा पीछे लिया जाए, इसमें जो है देखने में फ़ोन की अगर लुक की बात करें तो भाई साहब एकदम ओपी लेवल का है। पीछे से अगर इसकी पैनल की बात करें, जब आप सनलाइट में जाएंगे ऐसे लेफ्ट राइट करेंगे तो आप अभी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं कितना अच्छा देखने में लग रहा है। 3 कलर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ऑरेंज है, फिर उसके साथ आपको नेवी ब्लू, फिर उसके साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा बैक साइड में, जो कि इस फ़ोन को काफ़ी प्रीमियम बनाता है। इसके साथ साथ जो पीछे का क्वाड कैमरे का सेटअप है, 108+8+5+2 मेगापिक्सल कैमरे का जो कॉम्बिनेशन है वो इस फ़ोन को और भी अच्छा बनाता है। पीछे से अगर लुक की बात करें तो भाई साहब बिल्कुल ओपी लेवल का है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं जैसे 20 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट जो कि इस फ़ोन को काफ़ी ओपी बनाता है, उसके साथ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में। तो अगर पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो ऊपर से शुरू करते हैं, तो वहाँ पर आपको आई आर ब्लास्टर के बगल में नॉइज़ कैंसिलेशन माइक्रोफोन, उसके बगल में 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है। फिर अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलता है, जिसमें आपको 3 कार्ड स्लॉट मिलते हैं। आप 2 सिम कार्ड के साथ, 2 नैनो सिम कार्ड के साथ अपना SD कार्ड भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं नीचे की बात करें तो यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है और उसके जस्ट बगल में आपको स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलते हैं। फिर राइट साइड की बात कर ले तो यहाँ पे वॉल्यूम ब्रोकर है, आप आवाज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कैमरे की, क्योंकि कैमरा जो है इसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा, अभी तक ऐसे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, कभी 200 मेगापिक्सल कभी 500 मेगापिक्सल देखने को मिलेंगे, ये 2030 तक आपको 1000 मेगापिक्सल दिखा देंगे।
तो चलिए बात कर रहे थे कैमरे की, क्योंकि कैमरा जो है बहुत हाईलाइट है यहाँ पे। 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 108+8+5+2 मेगापिक्सल का हमारा जो मेन कैमरा है वो आखिर में वर्क कैसे करता है, तो चलिए उसको देखते हैं। बात करते हैं कि नॉर्मल फोटो की, तो नॉर्मल फोटो भी इसमें काफी अच्छी खासी आती है। और अगर बात करें पोर्ट्रेट की, तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रही है पोर्ट्रेट की पिक्स है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है, बट इससे कम बजट में इससे अच्छी पोर्ट्रेट की फोटो आपको रियलमी में देखने को मिल जाएगी। फिर बात करते हैं इसमें और सारे फीचर्स की, तो कई सारे फीचर्स है, स्लो में भी काफ़ी ठीक ठाक है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको 60 FPS पे देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अगर बात करें और सारे फीचर्स की, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। सबसे अच्छा फीचर्स मुझे ये लगा जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसमें एक क्लोन वाला फीचर है जिसमें आप क्लोन कर सकते हैं अपने आप को, कभी इधर कभी उधर कहीं पे भी कर सकते हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे इस कैमरे में। बात करते हैं सेल्फी की, कि सेल्फी वाला कैमरा हमारा आखिर में कितने मेगापिक्सल का है, तो 16 मेगापिक्सल का हमको सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि ठीक ठाक है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा सेल्फी कैमरा है। तो चलिए कैमरे की बात हो गई, आप बात करते हैं प्रोसेसर की, लेकिन हाँ एक चीज भूल गया था, इसके साथ आपको बैक कवर मिलता है। ये मैं बॉक्स को जल्दीबाजी में अनबॉक्स करने के चक्कर में मैं इस कवर को भूल गया था, कवर को पकड़ने में थोड़ा चिपचिपा लग रहा है। ये आपके फोन को थोड़ा ग्रेविटी की तरह से पकड़े रहेगा, जो कि फोन को बहुत प्रीमियम लुक दे रहा है कवर लगने के बाद भी। चलिए बात करते हैं प्रोसेसर की, क्योंकि प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, गेम खेलना पसंद करते हो, क्या आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं? यस, यू कैन प्ले गेम इन हाई सेटिंग, आप अच्छे खासे सेटिंग पे गेम खेल सकते हैं, बट हाई सेटिंग्स पे आपको थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप लैग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर लगा जो कि ठीक ठाक है। इसमें आपको GPU Adreno 618 देखने को मिलता है जो कि ठीक ठाक ग्राफिक कार्ड है। तो प्रोसेसर की बात हमने कर ली है, अब बात करते हैं डिस्प्ले की। पहले मुझे डिस्प्ले के बारे में बात करना चाहिए था, लेकिन वो बोलते हैं ना मैं भूल जाता हूँ, तो अब डिस्प्ले की बात करें, तो इसका डिस्प्ले की बात करें, साइज की बात करें, तो यहाँ पे हमको 16.94 सेंटीमीटर का डिस्प्ले देखने को मिलता है। और अगर इसको इंचेस में कन्वर्ट करें, इंचेस में, तो यहाँ पे 6.67 इंचेस का हमको डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके साथ बहुत बड़ी चीज पेस्ट है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि बहुत कम ही डिवाइस में, अंडर 20K के डिवाइस में बहुत ही कम आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके साथ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, आप अपने फ़ोन के ऊपर ईंटें पत्थर कुछ भी मार देंगे तो फ़ोन को कुछ नहीं होने वाला, जस्ट जोक था, ऐसा मत करिएगा, ये चीज़ आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपके लिए नहीं बट आपके फ़ोन के लिए जरूर हो सकता है। उसके बाद बात कर ले कितने मिलियन एमपीआर की बैटरी है, इसके साथ इतना सब कुछ है तो बैटरी भी बहुत कुछ होनी चाहिए। तो इसमें बैटरी 5020 mAh की मिलियन एमपीआर की बैटरी मिलती है, जिसके साथ आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि मिनिमम मैक्सिमम 1.5 घंटे 130 मिनट्स लगेंगे आपको फ़ोन को फुल चार्ज होने में। फिर उसके बाद बात कर ले, फ़ोन बेस्ड EMI UI 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 पे है, आपको पता होगा कि आपके फ़ोन 11 पे ही रहेंगे, 10 पे तो आने वाले हैं नहीं। दोस्तों ऑल ओवर सारी स्पेसिफिकेशंस की बात हमने कर ली है, आई होप आप सबको सारी स्पेसिफिकेशंस अच्छी लगी हो। हमें इसमें क्या अच्छा लगा, तो सबसे पहले अगर मैं स्कोर करूंगा तो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है, प्लास्टिक बॉडी है लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुंदर जिसको बोलते हैं ना, मतलब ब्यूटीफुल फ़ोन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमारा 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप, वो भी ठीक ठाक है, और प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है, इस प्राइस पॉइंट में आप इससे अच्छा भी प्रोसेसर पा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर ऑल ओवर चीज की बात करें कि क्या आप इसको परचेज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मोटिव नहीं रहता है फोन के बारे में ये बताना कि आपको इसे परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यस, यू कैन बाय दिस, क्योंकि ये फ़ोन प्रीमियम लुक देता है, देखने में काफ़ी अच्छा है और ऑल ओवर स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इस फ़ोन को आप परचेज कर सकते हो, इस फोन के साथ आप जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही कई सारे फ़ोन की अनबॉक्सिंग आती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं कभी किसी नए वीडियो के साथ, नए अनबॉक्सिंग साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।